नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। तो आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। इंडिया नाम भारत को अंग्रेजों ने दिया और 190 वर्ष भारत को गुलाम बनाकर रखा। नरेंद्र मोदी विचार मंच के मुख्य राष्ट्रीय महासचिव सूरज ब्रह्मे ने देश में इंडिया शब्द पर छिड़ी बहस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इंडिया शब्द भारतवासियों को गुलामी का एहसास कराता है। इंडिया शब्द को भारत से हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर देना चाहिए। सन 1757 से 1947 तक अंग्रेजों ने भारत के साथ छल कपट करके भारत को 190 वर्ष तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा था। इन वर्षों में भारत की संस्कृति और सभ्यता को चूर चूर कर दिया। जब अंग्रेज भारत में व्यापार करने के बहाने आए तो भारत की सभ्यता सिंधु घाटी है, जिसे अंग्रेज इंडस वैली कहते थे। और भी आगे क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। मुख्य राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र मोदी विचार मंच, जैसा कि अभी देश में इंडिया को लेकर जो बहस छिड़ी हुई है, इस पर मैं कहना चाहूंगा कि इंडिया जो शब्द है ये अंग्रेजों के बनाए हुए शब्द हैं। इंडिया सब भारतवासियों को गुलामी का एहसास कराता है। इंडिया शब्द को भारत से हमेशा के लिए प्रतिबंधित करना चाहिए, क्योंकि भारत जो देश है वो सनातनियों का देश है। सनातन जिसका कभी अंत नहीं होगा, जो अनंत है। पृथ्वी जब तक रहेगी, सूरज चांद जब तक रहेंगे, तब तक सनातन रहेगा। सनातन का अंत कभी नहीं होगा। ये जो इंडिया शब्द जो लाया गया है, ये अंग्रेजों ने लाया है। आज भी हमारे देश में बहुत से नियम अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, जिसके आधार पर हमारे देश की कानून व्यवस्था चल रही है। इस पर भी संशोधन होना चाहिए। जैसे अनुच्छेद 348(1)(a), इस अनुच्छेद के अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, देश के सर्वोच्च दोनों सदनों में, लोकसभा राज्यसभा में जो फैसले होते हैं, जो निर्णय होते हैं, वो अंग्रेजी भाषा में लिखे जाते हैं। जबकि भारत में अपनी मातृभाषा जो हिंदी है, उन फैसलों को हिंदी भाषा में लिखी जानी चाहिए, क्योंकि उस समय जो अंग्रेजों ने कानून बनाए थे वो अपने हितों को देखते हुए बनाए थे। और वही कानून आज भी चल रहे हैं। मैं माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से, देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी से और दोनों सदनों के सम्माननीय सदस्यों से मांग करता हूं कि जो इंडिया शब्द है इसे हमारे भारत देश में प्रतिबंधित किया जाए। और जो माननीय न्यायालय में अंग्रेजी भाषा में जो फैसले लिखे जाते हैं, उसमें संशोधन करते हुए उन फैसलों को हिंदी भाषा में
लिखा जाना चाहिए ताकि हमारे हिंदुस्तान का एक एक बच्चा उस फैसले को पढ़ सके। जैसा कि अभी इंडिया सब और बहस छिड़ी हुई है, मैं हमारे उन भाइयों से भी कहना चाहूंगा जिसने ये इंडिया नाम रखकर और राजनीति करने का काम कर रहे हैं, वो इस इंडिया शब्द को हटाते हुए इंडिया की जगह भारत लिखना शुरू करें, क्योंकि इंडिया अंग्रेजों के द्वारा दिया गया एक नाम है। जब वो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नाम है इंडिया, और इंडिया